हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। आप कोई भी एग्जाम चाहें या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहें, स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। तो इसीलिए आज हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सो ऑलवेज बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट, लेट्स स्टार्ट। एंड यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर रेडियो एक्सपीरियंस। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। देखिए, पार्ट 6 वाले लेक्चर में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन एज वेल एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे वहीं से सवाल आया है, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसका आंसर होगा एन इंटू पी। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। और वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है एनपीक्यू का रूट ऑफ और वेरियंस होता है एनपीक्यू। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन पार्ट 6 वीडियो द फर्स्ट एंड थर्ड मोमेंट्स अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सारे के सारे ऑड सेंट्रल मोमेंट जीरो है। तो यहाँ पे 1 and 3 ऑड नंबर्स, दैट मीन्स ऑप्शन ए 0 इज द राइट आंसर। β1 and β2 कंस्टेंट्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का β1 and β2 ऑलवेज 0 and 3। β1 होता है 0, β2 होता है 3। देन द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग वेदर द डिफरेंस अंडर स्टडी इज सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, यही होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब हम डिफरेंट फाइंड आउट करते हैं, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस अवेलेबल है, और नॉन सिग्निफिकेंट, बोथ आर सेम। अगर बोथ आर सेम है, दैट मीन्स नॉन सिग्निफिकेंट। अगर दोनों चीजों में डिफरेंट है, तो इट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। वही होता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपके मन में सवाल है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टाइप 1 एरर होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स? देखिए, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर टी टेस्ट, जेड टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे आता ही होगा। ये तो बहुत ही कॉमन है। मैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट क्या है, चाय स्क्वायर टेस्ट क्या है, कौन से सिचुएशन में हम इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। पर आज सजेस्टेड दैट डिफरेंस बिटवीन टू मीन, ओके, दोनों मीन के बीच में डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। सो दो टेस्ट इसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं हम, टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। अगर सैंपल साइज बड़ा होता है, मतलब मोर देन 30 होता है, ओके, तो आप जेड टेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर सैंपल साइज छोटा होता है, तो टी टेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। 36 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज जेड टेस्ट। अगर यहाँ पे देता है कि थोड़ा सा सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, स्टूडेंट टी टेस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट टी टेस्ट कहा गया है, नॉट जेड टेस्ट कहा गया है। इसका मतलब सैंपल साइज मस्ट लेस देन 30, मतलब स्मॉल होना चाहिए। एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ना, वो अननोन होना चाहिए स्टूडेंट टी टेस्ट करने के लिए। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, तो फिर हम मूव करेंगे जेड टेस्ट की तरफ। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होना चाहिए, सैंपल साइज लेस होना चाहिए इन स्टूडेंट टी टेस्ट। यू जस्ट रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स। सो नाउ कम्स टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। हम टेस्ट क्यों करते हैं, डिसीजन क्यों लेते हैं स्टैटिस्टिकली? मेक डिसीजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे पॉपुलेशन को हमको स्टडी करना पड़ेगा। पॉपुलेशन साइज ऑलवेज लार्ज होता है, तो इतने बड़े पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हम सम रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं, जिसको सैंपल बोलते हैं। तो सैंपल के एनालिसिस के बाद हम पॉपुलेशन को कंपेयर कर सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं। वही होता है स्टैटिस्टिकल डिसीजन। हाइपोथेसिस एनी अजम्पशन और गेस और स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। कोई भी रैंडम वेरिएबल का अगर आप अजम्पशन लेते हैं, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। दो तरह का हाइपोथेसिस होता है, वन इज नॉल हाइपोथेसिस, वन इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नॉल हाइपोथेसिस होता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस व्हिच इज स्टैटेड फॉर पॉसिबल एक्सेप्टेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? एनी हाइपोथेसिस व्हिच डिफरेंट फ्रॉम द नॉल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स जो हम अज्यूम करते हैं, अगर वो एस्टिमेटेड नहीं होता है, वो फाइनली कैलकुलेटेड नहीं होता है, तो वो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर अज्यूम इक्वल टू कैलकुलेटेड होता है, वही होता है नॉल हाइपोथेसिस। सिंपल। थोड़ा सा एरर के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस,
इफ वी रिजेक्ट ए हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी ट्रू हाइपोथेसिस को अगर आप रिजेक्ट करते हो वो आएगा टाइप वन एरर के अंदर, अगर कोई भी फॉल्स हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेते हो वो आएगा टाइप टू एरर में. सो दैट मीन्स टाइप टू एरर इज मोर डेंजरस देन टाइप वन एरर. द ओनली वे टू रिड्यूसिंग बोथ टाइप्स ऑफ एरर इज इंक्रीजिंग द सैंपल साइज. सैंपल साइज आपको बढ़ाना पड़ेगा. सो टाइप वन एरर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है टाइप वन एरर वही है. यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डेविएट्स. यहाँ पे याद रखिए इंडिपेंडेंट डेविएशंस और कंपेरिजन्स, इंडिपेंडेंट कंपेरिजन्स वही होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. याद रखने के लिए मैं बता दूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑलवेज नंबर ऑफ ट्रायल्स माइनस वन होता है, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस वन होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कंपेरिजन तो एक लेस ही होगा ना. देखिए नाउ कम्स टू जेड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट एसएनडी टेस्ट. अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो ये तो जेड टेस्ट के अंदर ही आएगा, ये तो कन्फर्म है. इफ यू नो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सो यू कन्फर्म दैट दिस टेस्ट इज गोइंग टू जेड टेस्ट. ओके दैट इज जेड टेस्ट. अगर ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं तो फिर आपको देखना पड़ेगा सैंपल साइज देखना पड़ेगा. अगर सैंपल साइज मोर देन 30 है तो दैट मीन्स जेड टेस्ट आप करेंगे. अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर टी टेस्ट. तो क्या देखने के बाद, फर्स्ट पहले आप देखेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है या फिर अननोन है. अगर नोन है तो फिर डायरेक्ट आप गो फॉर जेड टेस्ट. अगर अननोन है तो देखेंगे सैंपल साइज कितना है. सैंपल साइज अगर बड़ा है मोर देन 30 है तो गो फॉर जेड टेस्ट. अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है तो गो फॉर टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट. नाउ कम्स टू स्टूडेंट टी टेस्ट. मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्टूडेंट टी टेस्ट के लिए दो मेन क्राइटेरिया आपको याद रखना ही पड़ेगा. पहले तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं होना चाहिए, अननोन होना चाहिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. और एक चीज, सैंपल साइज कम होना चाहिए, लेस देन 30 होना चाहिए. स्मॉल सैंपल साइज प्लस अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन यू कंफर्म दैट यू आर गोइंग फॉर स्टूडेंट टी टेस्ट. ओके, और ये जो टेस्ट ये डेवलप किए थे डबल एस गोसेट ने, मेनली यूज फॉर कंपेरिजन ऑफ स्मॉल सैंपल्स. मैंने आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज. एक और टी टेस्ट होता है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम स्टूडेंट टी टेस्ट, फ्रॉम जेड टेस्ट. ये पूरा अलग है. कैसे अलग है, ये डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम बोलते हैं, डिपेंडेंट. ओके, वो जो जेड टेस्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट है दो आर इंडिपेंडेंट सैंपल. पर यहाँ पे डिपेंडेंट सैंपल इसका मतलब एक सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट के प्री हम अप्लाई करेंगे उसके बाद पोस्ट अप्लाई करेंगे. मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं प्री ट्रीटमेंट देन पोस्ट ट्रीटमेंट एक सब्जेक्ट के ऊपर, वही होता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. अगर ऐसा कंडीशन आए तभी आप पेयर सैंपल टी टेस्ट करेंगे, अदरवाइज गो फॉर अनदर टेस्ट. सो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट मतलब सब्जेक्ट सेम रहेगा, ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा. प्री ट्रीटमेंट एक रहेगा, पोस्ट ट्रीटमेंट एक रहेगा. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, स्लीपिंग पिल्स, ट्रायल ऑन स्लीपिंग पिल्स. सो स्लीप के ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है बिफोर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स एंड आफ्टर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स ऑन 10 सब्जेक्ट, मीन्स 10 इंडिविजुअल आप लेंगे. बिफोर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स आप उनका रिएक्शन इफेक्टिवनेस सब देखेंगे, आफ्टर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स आप वो सब नोट करेंगे. तो यहाँ पे जो 10 इंडिविजुअल्स वो तो सेम ही है पर ट्रीटमेंट डिफरेंट है, एक प्री एंड एक पोस्ट. सो उसी केस में आपको जाना पड़ेगा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पे. तो यहाँ पे एक डिफरेंस टर्म आएगा. ओके, सो डी आता है, इसका मतलब आप कन्फर्म हो गए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ये होगा. एप टेस्ट कहाँ पे करते हैं, एप टेस्ट एक ही लाइन आप याद रखेंगे, एप टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयर वेरिएंस. अगर वेरिएंस को कंपेयर करना है तभी आप जाएंगे एप टेस्ट की तरफ. और ये जो एप वैल्यू ये हमेशा मोर देन वन होना चाहिए, मतलब जो लार्जर वेरिएंस है ना उसे न्यूमरेटर पे डालना चाहिए और जो लेसर वेरिएंस है वो डिनोमिनेटर पे रहना चाहिए. ये होता है एप टेस्ट. सिर्फ याद रखिए कंपेयरिंग वेरिएंस developed by Skinner and named honor on the statistician a Fisher. ये सारे चीज आपको सिर्फ इतना याद रखना है, F test is used for comparison of variance.
चाय स्क्वायर टेस्ट पैरामेट्रिक के लिए भी है, नॉन पैरामेट्रिक के लिए भी है, पर ज्यादातर चाय स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज मैक्सिमम रिलेटेड टू चाय स्क्वायर टेस्ट। तो चाय स्क्वायर टेस्ट क्या है? चाय स्क्वायर टेस्ट का ये है उसका फॉर्मूला। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। कोई भी जो मेंडेलियन कैरेक्टर को स्टडी करते हैं ना, तो वो स्टडी करते हैं चाय स्क्वायर टेस्ट के माध्यम से। मतलब कोई भी क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आप करना चाहें तभी आप चाय स्क्वायर टेस्ट को फॉलो करेंगे। ओके, जो जो चीज मैंने आपको बताया वही सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जेड टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज्ड टू टेस्ट एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगेंस्ट अ नल हाइपोथेसिस। सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, एन ग्रेटर देन 10 होना, 30 होना चाहिए। ओके, ये याद रखेंगे आपको, बस इतना है। जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट के जो डिफरेंस होता है, स्टूडेंट टी टेस्ट में बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, तो इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर स्टिल एक अच्छे से बता। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आप कंफर्म है कि जेड टेस्ट होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पता नहीं, अननोन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अननोन है, तभी आप कह नहीं सकते कि ये टी टेस्ट होगा या फिर जेड टेस्ट होगा, स्टूडेंट टी टेस्ट होगा और जेड टेस्ट होगा। देन यू शुड गो फॉर सैंपल साइज। सैंपल साइज अगर मोर देन 30 होता है और इक्वल टू 30 होता है तभी आप बोल सकते हैं जेड टेस्ट होगा। अगर लेस देन 30 होता है इसका मतलब टी टेस्ट होगा, स्टूडेंट टी टेस्ट होगा। तो पहले आप देखेंगे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविजन, वो नोन है या फिर अननोन है। इफ नोन देन गो फॉर जेड टेस्ट, इफ अननोन देन गो फॉर सैंपल साइज। सैंपल साइज इफ मोर देन 30 देन गो फॉर जेड टेस्ट, इफ सैंपल साइज इज लेस देन 30 देन गो फॉर स्टूडेंट टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट सेम थिंग मैं आपको बता चुका हूँ। पेयर टी टेस्ट यहाँ पे लिखा गया है, वही सारी चीज पढ़ सकते हैं। मतलब प्रीवियसली एक सब्जेक्ट के ऊपर आप टेस्ट करेंगे, देन पोस्ट एक टेस्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, वही होता है पेयर टी टेस्ट। अरिथमेटिक मीन पूछा गया है, मतलब जनरली मीन पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरियंस सेम होता है, दैट इज लैम्डा। ओके, यहाँ पे लैम्डा नहीं है, इसका मतलब एम लैम्डा को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स 31 का आंसर सी होगा। देन कम्स टू अरिथमेटिक मीन एंड वेरियंस आर ऑलवेज इक्वानिन। मैं बता चुका हूँ कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जो है सारे के सारे ऑड सेंट्रल मूवमेंट जीरो है, इसका मतलब फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट जो मीन है वो जीरो होगा, थर्ड सेंट्रल मूवमेंट जीरो होगा, पर सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट जीरो नहीं है, दैट मीन्स इट इज डिफरेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट आएगा। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गए, क्योंकि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज मीन होता है, ओके, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज वेरियंस होता है। देन पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में अभी मैंने बोला कि मीन एंड वेरियंस सेम है, मीन एंड वेरियंस सेम है, इसका मतलब पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट एंड सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट सेम है, लैम्ब्डा, दैट इज लैम्ब्डा रिप्रेजेंटेड बाय लैम्ब्डा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों के तीनों डिफरेंट है। ओके, द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, नो डिफरेंस मीन्स नल हाइपोथेसिस, देयर इज डिफरेंस मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन व्हिच टेस्ट इज यूज्ड, देखिए पेयर्ड वर्ड आ गया, पेयर्ड ऑब्जर्वेशन आ गया, इसका मतलब एक सब्जेक्ट फिक्स है, आप पहले कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और पोस्ट कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब यहाँ पे पेयर टी टेस्ट होगा, नो डाउट। फॉर कंपेरिजन ऑफ टू मीन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल्स व्हिच टेस्ट इज एप्लीकेबल, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंडिपेंडेंट सैंपल्स, मतलब पेयर टी टेस्ट नहीं होगा, पेयर टी टेस्ट इज ओनली मीन फॉर डिपेंडेंट सैंपल्स, और इंडिपेंडेंट सैंपल्स मतलब आइदर टी टेस्ट और जेड टेस्ट। सो टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए। अगर पूछा जाता है कि सैंपल साइज बहुत ही कम है तो टी टेस्ट होना चाहिए, मीन्स लेस देन 30, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। फॉर कंपेरिजन ऑफ टू मीन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट लो अमाउंट ऑफ सैंपल्स, मीन्स सैंपल साइज इज लेस, देन यू शुड गो फॉर टी टेस्ट, ऐसा होना चाहिए। फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, सो ये तो होगा चाय स्क्वायर टेस्ट, नो डाउट, क्योंकि चाय स्क्वायर टेस्ट
क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। चाय स्क्वायर टेस्ट को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट को डिटरमाइन करने के लिए चाय स्क्वायर टेस्ट हम करेंगे। द वैल्यू ऑफ चाय स्क्वायर टेस्ट रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इसका आंसर होगा 0 to ∞। चाय स्क्वायर जो वैल्यू है वो रेंज करता है फ्रॉम 0 to ∞ एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। चाय स्क्वायर टेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया दो स्लाइड पहले चाय स्क्वायर टेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस, दैट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड को स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड रहेगा। ओके, डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड रहेगा, इतना याद रखिए। फॉर कैलकुलेशन ऑफ चाय स्क्वायर टेस्ट एन शुड बी एटलीस्ट एन, जो एन का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट 50 होना चाहिए। कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, देखिए कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होते क्या है, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। तो आर अभी क्या है, आर होता है कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और 1 माइनस कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है कोफिशियंट ऑफ एलिनेशन, एलिनेशन एलिनेशन। सो इतना आप याद रखिए। तो कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फायदा क्या है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में आपको बताऊंगा। द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, देखिए मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट का रेंज आपको याद रखना है, उसके साथ नॉर्मल कोरिलेशन कोफिशियंट का रेंज भी आपको याद रखना है। तो मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट लाइज बिटवीन 0 to 1, याद रखेंगे मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशियंट। अगर पूछा जाता है सिर्फ कोरिलेशन कोफिशियंट लाइज बिटवीन, तभी आपको क्लिक करना है -1 to +1। सो मल्टीपल दिया गया है 0 to +1, ओनली कोरिलेशन कोफिशियंट दिया गया है -1 to +1। द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन इज टेस्टेड बाय, देखिए कोरिलेशन टेस्ट होता है टी टेस्ट के थ्रू कोरिलेशन कोफिशियंट टेस्ट होता है, सिंपल। चाय स्क्वायर टेस्ट दो तरह का होता है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर कंपेयरिंग वेरियंस, पर ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, ज्यादातर हम यूज करते हैं इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, मतलब नॉन पैरामेट्रिक के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग इंडिपेंडेंस टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। सो इसीलिए हम ज्यादातर चाय स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट तो बहुत सारे हैं ना, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, पैटी टेस्ट, बहुत सारे पैरामेट्रिक टेस्ट अवेलेबल है, पर नॉन पैरामेट्रिक एक ही है ना चाय स्क्वायर टेस्ट, इसीलिए चाय स्क्वायर टेस्ट को प्रीफर किया जाता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए। सो यहाँ पे चाय स्क्वायर टेस्ट के बारे में डिटेल में दिया गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कार्ल पियर्सन इसको डिस्कवर किए थे, और ये होता है साइन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्सपेक्टेड रहेगा, वही होता है चाय। कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन मैंने आपको बता चुका हूँ, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर, और इसको एक्सप्रेशन करते हैं परसेंटेज में। ओके, आर स्क्वायर परसेंटेज कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, आर होता है कोरिलेशन कोफिशियंट। ओके, सो इससे पता चल जाता है ये कितना डिपेंड है। लेट्स से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ग्रेन यील्ड, और एक लेता हूँ रेनफॉल। रेनफॉल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ग्रेन यील्ड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज रेनफॉल की वजह से ग्रेन यील्ड में कितना फर्क आता है, कितना इफेक्टिवनेस आता है, कितना क्वांटिटी चेंज होता है ग्रेन यील्ड में, वो हम स्टडी कर रहे हैं। अगर आर स्क्वायर परसेंटेज 70% होता है, इसका मतलब दैट ग्रेन यील्ड 70% ऑफ ग्रेन यील्ड इज कोरिलेटेड विथ रेनफॉल, ऐसे हम बोल सकते हैं कि 70% ग्रेन यील्ड डिपेंड करता है रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है 70% ग्रेन यील्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आप डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेशन दोनों के बीच में। 1 माइनस आर स्क्वायर को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, यहाँ ये कहीं पे लिखा गया नहीं है पर एग्जाम में पूछा जाता है एलिनेशन। ओके, एलिनेशन याद रखेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बहुत बार बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, पर मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैरी करता है 0 to 1, पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैरी करता है -1 to +1। टी टेस्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, देखिए टी टेस्ट का एप्लीकेशन बहुत जगह पे होता है। टेस्ट इज सिंगल मीन, टेस्ट द इक्वेटी ऑफ टू मीन्स इन डबल सैंपल केस, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल के लिए पेयर टी टेस्ट। ओके, ये सारे के सारे चीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हम टी टेस्ट करते हैं,
पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए भी हम टी टेस्ट करते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट डिटरमाइन करने के लिए भी हम टी टेस्ट करते हैं। सो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इज रिलेटेड टू टी टेस्ट, नॉट अदर टेस्ट। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट मोर वीडियोज इन टाइम।